आज क्या डेट है? 29। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और जो एवरेज वेलोसिटी हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे, उसका डिफरेंस भी थोड़ा हमको पता लग गया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। कि क्या होता है एक्सेलरेशन? नाम तो सुना है ना, स्कूल के अंदर किया था ना, 9th क्लास के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन भी की होंगी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यू टी प्लस, चेंज इन वेलोसिटी। ना? हाँ, तो पहले अब जैसे हमने वेलोसिटी के लिए बोला था कि अगर कोई बोलता है अकेला वेलोसिटी, तो उस चीज का कोई कहते हैं सेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं मतलब कि एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे उसके अंदर बोला था ना, एवरेज वेलोसिटी हमने बोला था, है ना। और उसके बाद हमने किया था इंस्टेंटेनियस, तो इसके अंदर भी आता है हमारे पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले हम बात करते हैं मतलब एवरेज एक्सेलरेशन के। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें, तो जैसे हमने वेलोसिटी को लिखा था वैसे इसको भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जैसे हमने पहले किया था ना कि टोटल एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया था ना, तो वैसे हम यहां भी लिख सकते हैं कि टोटल वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। और ये हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम ऊपर इसके एरो लगाएंगे और नीचे हमारे पास में आता है डेल्टा टी। तो ऊपर हमारे पास है वेक्टर आ रहा है, नीचे हमारे पास स्केलर आ रहा है, मतलब जो होल क्वांटिटी हमारी बनेगी वो कैसे बन जाएगी, वेक्टर या स्केलर? किसी भी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी को अगर किसी नंबर से डिवाइड वेक्टर करते हैं तो वो वेक्टर ही रहता है ना। तो ये हमारे पास वेक्टर आएगा। यूनिट क्या बन जाएगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, जो हमारे पास सन वेलोसिटी होता है दैट इज मीटर पर सेकंड, और उसके नीचे एक और टाइम आ गया ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं इसका यूनिट, तो इसका यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे इसके कुछ अपने एग्जांपल करते हैं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा कहाँ चेंज हुआ कैसे चेंज हुआ, इसने सिर्फ क्या देखा, कंप्लीट चेंज अपॉन टोटल टाइम। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक सिंपल एग्जांपल हमने यहां से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। तो पहले हमने स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, यहाँ पे इसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी हो गया उसका अपने 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे था मेरे पास में टी इक्वल टू 0, यहाँ पे मेरे पास में हो गया टी इक्वल टू 2 सेकेंड, और स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ये। तो बताओ कि हमारा एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन 1/2। तो हम लिखते हैं वेलोसिटी में चेंज, एंड वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर फॉर्म में अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, सपोज ये जो लाइन है इसको मैंने बोल दिया मैं आई कैप बोल दिया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 3 i कैप, और इनिशियल वेलोसिटी 2 i कैप अपॉन 2, तो कितना बन जाएगा, 1/2 i कैप। ठीक है, और आगे इसका वो लगा देंगे, यूनिट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू देखूं मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो बन जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, और अगर ये बोलूं कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे था टाइम इक्वल टू 0, जब मैं यहाँ पे आया तो वेलोसिटी यहाँ की तरफ हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
और यहाँ पे मेरे पास में हो गया t इक्वल टू 2 सेकंड, तो बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? -3 i cap -2 i cap / 2। हाँ, तो हम इसके अंदर सब कुछ लिखेंगे बट एवरीथिंग शुड बी इन वेक्टर फॉर्म। तो मैंने लिखा v फाइनल, सपोज मैंने ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने बोल दिया, कहते मैं i cap बोल दिया, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? -3 i cap। देखो ना यहाँ की तरफ एरो है, और इनिशियल कितना हो जाएगा? 2 i cap अपॉन कितना टाइम लगा? 2। तो कितना बन जाएगा? 5/2 -i cap। ठीक है, फाइन। तो अब अगर मैं पूछूं कि उसका वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो 5/2 m/s². ठीक है, डायरेक्शन कहां की तरफ है उसकी? -i cap में, डायरेक्शन -i cap। ठीक है भाई, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, चलो थोड़ा सा और इसका एग्जांपल करते हैं। ये तो हमारा ये हो गया ना, वन डायमेंशन हो गया। अब बात करते हैं 2D में। सपोज एक हमारे पास में स्क्वायर है, स्क्वायर है ये, ठीक है। एक पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ पे चल रहा है, उसका स्पीड दिया हुआ है 2 m/s। इस पॉइंट को बोला ए, और ये जो लेंथ है सपोज इसको बोल दिया या 10 m बोल दिया। वो यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ पहुंच गया, ठीक है। उसका स्पीड सेम है, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। अब वो यहाँ पहुंच गया, जब वो यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट पे पहुंचेगा, तो बताओ उसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया फ्रॉम फॉर ए टू ओ टू बी, वहां पे पहुंच गया, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा बताओ? स्पीड सेम है उसकी, स्पीड सेम है, तो बताओ यहां पे पहुंचने के अंदर कितना टाइम लगेगा? टी पे, बी पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने? पहले बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 20, है ना? यस सर। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 10 हो गया, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? अपना डिस्टेंस कितना हो गया? 20, और स्पीड कितना है? 2, तो कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। अब निकालना वेलोसिटी में चेंज। सपोज ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने बोल दिया आई कैप, तो ये जो ऊपर वाली क्या बन जाएगी? J cap बन जाएगी, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 j cap, और इनिशियल वेलोसिटी 2 i cap अपॉन कितना टाइम लगा है? 10 सेकेंड। तो क्या बन जाएगा? 1/5 j cap - i cap। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। √2/5। तो देखो जे कैप माइनस आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोई भी वेक्टर का, उसके मतलब एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कितना बन जाएगा? √2/5 m/s². देखो उसका स्पीड सेम है ना, उसका स्पीड जो है वो हर पॉइंट पे 2 m/s ही है, बट उसका क्या चेंज हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास में डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो ही ना, तो भी तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फाइन, चलो ये मैं बता दिया। अब मतलब कि एक क्वेश्चन अपने आप करके बताओ मुझे। सपोज एक ये है ना सर्कल है, आप
ठीक है सर, वो पहले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड किसा आया सर? मुझे बताओ बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना ना, जो मैंने अपने बॉक्स बना रखा है, दिख रहा है? हाँ हाँ, तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 1/5 तो ऐसे रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा, वो तो नंबर है। अब बताओ मुझे j कैप माइनस i कैप, इस ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कैसे निकालते हो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? सपोज तुमको एक मैंने वेक्टर दे दिया 3i कैप + 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट करके। हाँ बताओ बताओ क्या होता है रूट में? रूट ऑफ t² + 4² ओके, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है 1, और इसके साथ भी क्या लिखा हुआ है 1, तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? Okay. सपोज हमारे पास एक ये है, एक पार्टिकल है जो कि अपने सर्कल में घूम रहा है, उसका तुमको स्पीड दिया हुआ है कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, और स्पीड तुमको दिया हुआ है वी, ठीक है, और वो ये यहाँ पे घूम रहा है अपने सर्कमफेरेंस पे। इस पॉइंट को मैंने बोला ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी। और सेकंड पार्ट, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी, और जो हमारा पॉइंट सी है वो यहाँ पे है, एकदम है डायमीटर वाला पॉइंट है। यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ की तरफ रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ की तरफ रहेगी। तुमको याद हो ना एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, जब पार्टिकल कैसे सर्कल में घूम रहा होता है तो वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, करवाया था ना लास्ट क्लास में सैटरडे को? नहीं सर। हाँ हाँ मैंने कराया था। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कराया था देखो ना, सारे नोट्स हैं मेरे पास में, तुम है ना छुपा नहीं सकते हो कुछ मुझसे। हाँ ये देखो, ये रहा, कहाँ गया, ये देखो, ये रहा, ये था ना, दिख रहा है बेटा पार्टिकल का अपना वेलोसिटी वेक्टर और जो उसका अपना पोजीशन वेक्टर है कैसा परपेंडिकुलर है? याद आया कुछ? आर वेक्टर इज एन परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। हाँ, और इसके अंदर स्पीड कैसा आया था? स्पीड आया था कांस्टेंट आया था, तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था तो स्पीड उसका कांस्टेंट आया था, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था। तो यहाँ भी देखो मैंने दिया हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट है v, बस तुम्हें निकालना एवरेज एक्सेलरेशन। चलो बताओ, सर टाइम क्या है? अरे वो तो अपने आप निकालो, तुमको स्पीड दिया हुआ है।
सर आंसर आ गया। हाँ बताओ सर। 2v² (-i-cap-j-cap/r) फर्स्ट आंसर, और सेकंड का है -2v² (j-cap/r). चलो ठीक है देखते हैं। देखो तो पहले तो हमको एक्सिस यानी डिफाइन करने पड़ेंगे। सपोज मैंने ये यहाँ वाले को बोल दिया आई कैप, ठीक है, और यहाँ वाले को बोल दिया मैंने जे कैप, तो इसके इधर वाला क्या बन जाएगा -j-cap और यहाँ वाला -i-cap। तो पहले मैं बात करता हूं a टू b की। a टू b के अंदर वेलोसिटी एट a क्या है बताओ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो। ऊपर की तरफ है ना, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया v और ये बन गया उसका डायरेक्शन अपना j-cap। अब मैंने निकाला वेलोसिटी एट बी, बताओ क्या आएगा वेलोसिटी एट बी, उसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही है लेकिन माइनस आई कैप ना, क्योंकि यहाँ की तरफ बन गया। अब देखते हैं यहां से लेकर यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। तो देखो हमको दिया हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है बताओ, ये डिस्टेंस कितना बन गया, ये हमारा वो बन गया ना क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तो क्या होता है क्वार्टर सर्कल का डिस्टेंस, पाई आर बाय टू। और स्पीड कितना है v, तो इतना टाइम हो गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा टाइम हो गया। तो अब अगर मैं लिखना चाहूं कि एवरेज एक्सेलरेशन तो क्या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम, है ना। यस सर। चलो आना लिखते हैं, तो v फाइनल कितना है माइनस वी आई कैप, और वी इनिशियल कितना है जे, तो वी जे कैप अपॉन कितना टाइम लगा पाई आर बाय टू वी। तो ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया माइनस वी को, तो क्या बनेगा माइनस वी आई कैप प्लस जे कैप अपॉन पाई आर अपॉन टू वी, तो ये बन जाएगा माइनस 2v² अपॉन पाई आर आई कैप प्लस जे कैप। अब देखो हम हमारे आंसर को आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसने हमको क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं है ना कि आई कैप कहाँ पे है जे कैप कहाँ पे है। तो हम आंसर के अंदर बताएंगे इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे सिर्फ, ठीक है। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, तो 2v² अपॉन पाई आर तो ऐसे रहेगा, वो तो नंबर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप का √2 जैसा हमने उसमें किया था। तो ये हमारे पास में आ गया एवरेज एक्सेलरेशन कहां से कहां तक a टू b। सो माइनस साइन नहीं आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, याद है। यस सर। अगर किसी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर, हम माइनस साइन बाहर नहीं निकालते तो भी फर्क नहीं पड़ता ना कुछ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस तो अल्टीमेटली उसी को बता रहा है ना, डायरेक्शन ही बता रहा है yes. ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अब अगर मैं बात करूं फ्रॉम ए टू सी तो बताओ क्या बन जाएगा, फ्रॉम ए टू सी वी एट ए वो तो उतना ही है वी जे कैप, वी एट ये कितना आएगा सी माइनस जे कैप माइनस वी माइनस वी जे कैप। ओके और कितना लगा टाइम पाई आर बाय वी,
डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया पाई आर, और स्पीड कितना है वी, ठीक है। अब निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, वी फाइनल माइनस वी जे कैप इनिशियल माइनस वी जे कैप अपॉन टाइम पाई आर बाय वी, तो क्या बन जाएगा, सपोज ऊपर से मैं ऊपर क्या बन जाएगा माइनस टू वी जे कैप अपॉन पाई आर बाय वी, तो ये बन जाएगा टू वी स्क्वायर अपॉन पाई आर माइनस जे कैप, ठीक है। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, 2v स्क्वायर पाई आर, इसमें इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो सिंपली 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, फाइन। यस, तो जो मतलब एवरेज एक्सेलरेशन वाली जो चीज है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। कर लोगे ना, इशू नहीं है ना कुछ इसमें, आसान चीज है एकदम, जैसा हमने उसमें किया था डिस्प्लेसमेंट वाली चीजों में किया था कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला और फिर हमने ये कर दिया। कर लोगे, चलो आगे आगे आते हैं अब। सर और सर्कल में परपेंडिकुलर होती है ना वेलोसिटी हमेशा, सर्कल के अंदर जो वेलोसिटी होता है वो रेडियस के हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, ये हमने उस क्वेश्चन के अंदर प्रूव किया था ना, आर डॉट वी हमेशा कितना आया था, जीरो आया था ना। हाँ, तो मतलब कि पोजीशन जो होता है वो तो अपना रेडियस वेक्टर होता है ना, तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री रहेगा। ऐसा क्यों होता है भाई, हमने इक्वेशन से अपने प्रूव कर दिया ना, इसीलिए उसका रेडियस है ना कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लोकस क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सभी चार, हाँ लोकस मतलब उसका डेफिनेशन क्या होता है, locus of all the points lying at the same distance from fixed point. तो इसीलिए बोलते हैं कि उसको को perpendicular होना ही पड़ेगा, अगर तुम्हारा velocity है किधर radius के along हो गया तो radius सर बड़ा हो जाएगा ना भाई, कोई भी particle किस line के along जाता है, जिस line के along velocity होता है, तो अगर तुम्हारा velocity radius के along हो गया तो radius तुम्हारा बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन वो तो हमको करना नहीं है, इसलिए अब देखो। तो पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, नहीं वो अपने एवरेज वेलोसिटी किया था, उसके बाद क्या था हमने इंस्टेंटेनियस, तो जैसे कि अगर इसी के अंदर वेलोसिटी ने एक्सेलरेशन, तो हम जब ये लिखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन ये क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब अगर मैं लिखूं इफ डेल्टा टी, इसका मतलब क्या होता है, एरो का टेंड्स टू जीरो, मतलब कि वेरी स्मॉल इंटरवल इंस्टेंट, और वेरी स्मॉल इंटरवल को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंट, फाइन। तो हम जब ऐसा हो जाता है तो ये जो चीज है इसको हम लिख देते हैं अपना और dt लिख देते हैं, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन बनता है वो क्या बन जाता है, dv अपॉन dt, ये हमारे पास में है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब उस इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन है। जैसे अपना स्पीडोमीटर जो होता है वो हमको क्या बताता है, क्योंकि छोटे से इंटरवल के अंदर तुम्हारा जो पाथ आता है वो स्ट्रेट लाइन ही आता है,
तो वैसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये बन जाएगा। अब तुमको एक और चीज याद है कि इंस्टेंटेनियस जो अपना वेलोसिटी क्या होता है, ये जो 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 होता है ना डीएस बाई डी टी, या फिर उसको मतलब आर लिख दो ना पोजिशन को, ये होता है डी आर बाई डी टी। यस सर। और अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है एक्सेलरेशन, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर आर अपॉन अपन डी टी स्क्वायर। पोजीशन को दो बार, पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। फाइन। अब जैसे जैसे तुम किसी व्हीकल पे जा रहे हो, तुमको एकदम से एक्सेलरेट करना है तो क्या करते हो, एक्सेलरेटर को अपने घुमा देते हो ना, तो बस, तो वो जो होता है वो हमारे पास में इंस्टेंटेनियस है। जैसे एग्जांपल करते हैं, सपोज तुमको एक दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस सिक्स, ठीक है, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है, ये पॉइंट फॉलो दिस इक्वेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन। तो इस इक्वेशन को देख के क्या बोल सकते हो, इसका मोशन कैसा है, वन डायमेंशन मोशन है, वन डायमेंशन, बस क्योंकि उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हमारा वन डायमेंशन हो गया ना, मोशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं, मैं तो उस दिन ही बताया था ना कि हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, मतलब जितनी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम सब फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, मुझे दिया हुआ है ये थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस सिक्स, बताओ पोजीशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब सपोज मैं तुमको क्वेश्चन के कुछ पार्ट दे दिए, फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टू एंड टी इक्वल टू फोर सेकेंड। अब मैंने क्या लिखा है वेलोसिटी एट, इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना। अगर हम बोलता है कि वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू फोर टू टी इक्वल टू सिक्स, तो वहां से क्या आता, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू टू सेकेंड। अगर मैं जहां पे लिखता हूं एट, एट का मतलब होता है इंस्टेंट, तो देखते हैं, तो पहले मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैंने लिखा वेलोसिटी, तो क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा dx by dt, या पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं ना, यस सर, तो क्या बन जाएगा 60 प्लस 2 प्लस 2। अब अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी एट कहां पे, t इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा, t का वैल्यू अपने पुट कर देते हैं 2, तो कितना बन जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने लिखा वेलोसिटी एट कहां पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो क्या बन जाएगा बताओ, 26 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमको t का वैल्यू अपने वो करना है, पुट करना है बस इसके अंदर, इस वाली इक्वेशन में। अब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, तो बताओ एक्सेलरेशन कैसे आता है वेलोसिटी से, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट, तो इस वाली इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा डी वी बाय डीटी, तो क्या आ गया 6, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो एट टी इक्वल टू 2 हमारे पास मतलब ए का वैल्यू क्या रहेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी के अंदर तुमसे पूछा जाए फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 4 सेकंड, तो बताओ क्या आंसर आएगा, सो 6 ही आएगा। हाँ, यस, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एवरेज भी उतना ही रहता है और उसका इंस्टेंट भी उतना ही रहता है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन एवरेज इक्वल टू 26 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना, कितना टाइम है 4 माइनस 2, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो यहाँ हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो क्या हुआ ना, कॉन्स्टेंट आ गया बाई चांस, ठीक है सर। मतलब अगर x के इसमें लीनियर पेर हुई तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। यस ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लिया कि x इक्वल टू 3t³ + 2 सपोज, तो ये हमको दिया हुआ है, तो यहां से हमारा वेलोसिटी क्या आएगा बताओ, तो उसको ने कर दिया dx / dt 90 square, ठीक है, क्योंकि उसका तो अपना जीरो बन गया ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं फिर से तो मेरे पास आएगा d / dt, उसको मैं क्या बोलता हूं एक्सेलरेशन, तो 90 स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 18t। अब देखो, अब मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा वेरिएबल है, है ना, देखो ना। यस सर, जैसे 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 अपने टी का वैल्यू इंक्रीज होएगा मेरा एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है। अब जैसे अगर बात की जाए कि एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, अब हमारे पास में आंसर लगाएगा तो हम लिखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन इज v final minus v initial by time, v final कितना आएगा, इसमें डालो 4 ना, velocity ये है तो कितना आएगा 4 × 4 = 16, 16 × 9 कितना होता है, हाँ भाई 144, ये तो हो गया, ये तो हमारा initial हो गया ना, initial थोड़ा नहीं final हो गया, हाँ minus initial कितना आ जाएगा, initial है 2 तो 4 36 और कितना टाइम लगा 2, ठीक है ओके, ये कितना बन गया 108 बाय 2 मतलब 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन आ गया सर। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस तो मैं अगर मैं लिखना चाहूं कि एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 कितना आएगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ना इसके अंदर मैंने अपने टी का वैल्यू yes, दिया। और अगर मैं लिखना चाहूं कि एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 4 सेकंड तो कितना बन जाएगा 72 मीटर पर सेकंड। सर ये वाला और ऊपर वाला दोनों सेम ही था क्या, फर्स्ट वाले में लॉग आउट हो गया था नहीं उसके अंदर, हाँ मतलब ऊपर वाला तो और भी इजी है, इससे ऊपर वाले के अंदर हमारा एक्सेलरेशन कैसा हुआ ना, कांस्टेंट आ गया था 6 क्योंकि इक्वेशन ये थी ना, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, उतनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन ली उसमें एक्सेलरेशन भी कैसा वेरिएबल है, तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू अलग आएगी और जो एवरेज है उसकी वैल्यू अलग आएगी। फाइन ठीक है सर, फाइन चलो ठीक आगे आते हैं। अब तुमने स्कूल के अंदर कुछ चीजें देखी हुई थी कि एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, हाँ भाई yes, क्या एक्सेलरेशन क्या एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव हो सकता है? यस सर, यस सर, डिक्रीज होती है तभी डेसेलरेशन। अगर मैं और अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो राइट बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यस, एक्सेलरेशन जो है दैट इज, हाँ एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब तुम किसी एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोलते हो उसका मतलब होता है कि उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ऑपोजिट। फाइन भाई, अगर कोई ऑपोजिट अगर वेक्टर होता है तो हम कह देते हैं ना कि यार उसमें उल्टा है डायरेक्शन, तो उसमें ऐसा होता है। तो जैसे कि देखते हैं कैसे,
मैं तुमको अब तीन चार एग्जांपल देता हूँ, उसके अंदर तुम बताना. सपोज जो तुम्हारा v1 है, दैट इज माइनस एट आई कैप, और जो v2 है, v2 मेरे पास में बन गया सिक्स आई कैप, चलो माइनस सिक्स आई कैप. बताओ इस केस के अंदर एक्सेलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ भाई, हेलो. पॉजिटिव भाई. हम लिखते हैं ना v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखते हो ना, तो v जो फाइनल है वो कैसा है? माइनस नेगेटिव. और v जो इनिशियल कितना है? माइनस एट. तो v फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना बन जाएगा ये? टू आई कैप. लिखेंगे टू आई कैप, तो हमारा एक्सप्रेशन कितना बन गया? पॉजिटिव. ठीक है, ओके. अब मुझे बताओ कि पार्टिकल तुम्हारा स्पीड अप हुआ है कि स्लो डाउन हुआ है? यहां पे स्पीड कितना है? स्पीड इनिशियल स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, तो स्लो डाउन हुआ है. और जो फाइनल स्पीड है वो कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड. तो बताओ पार्टिकल तुम्हारा स्लो डाउन हुआ है कि मतलब स्पीड अप हुआ है? स्लो डाउन हुआ. स्लो डाउन हुआ. तो स्लो डाउन हो गया पार्टिकल मेरा. एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव था फिर भी स्लो डाउन हो गया, कोई बात नहीं. चलो आगे आते हैं. सपोज वेलोसिटी इनिशियल है 6 आई कैप और वेलोसिटी फाइनल है 8 आई कैप. तो बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा आया? पॉजिटिव? यस सर, 2 आई कैप. फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना? फाइनल है 8, इनिशियल 6, तो कैसा आया पार्टिकल? पॉजिटिव. नहीं, पॉजिटिव. और पार्टिकल कैसा हुआ? स्पीड अप हुआ कि स्लो डाउन हुआ? स्पीड अप. स्पीड अप हुआ. स्पीड अप हुआ. पहले उसकी स्पीड थी 6 और अब कितनी हो गई है? ये. तो बताओ इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आया? भाई एक्सेलरेशन पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन पार्टिकल तुम्हारा पहले स्लो डाउन हुआ, सेकंड टाइम स्पीड अप हो गया. तो देर आर फ्यू वर्ड्स, उनको हमको याद रखना है. ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, दिस डिफाइन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, स्पीड के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं. बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? माइनस एट बड़ा है कि माइनस सिक्स बड़ा है? माइनस सिक्स बड़ा है ना, क्योंकि माइनस के अंदर क्वांटिटी जो माइनस में बड़ी होती है वो छोटी होती है. तो देखो तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट स्पीड के बारे में आई कैन नॉट कमेंट. ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज अपना ये डिक्रीजिंग. स्पीड के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं मैं. अब हम बात करते हैं, देयर आर फ्यू वर्ड्स. ठीक है, एक वर्ड आता है एक्सलरेटिंग. देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सलरेशन एंड एक्सलरेटिंग. एक्सलरेटिंग, सपोज तुम एक बाइक पे जा रहे हो और तुमको पीछे से किसी ने बोला है कि मतलब एक्सलरेट कर, तो इसका मतलब क्या होता है? तुम स्पीड अप करते हो कि स्लो डाउन करते हो? स्पीड अप. स्पीड अप. स्पीड अप. स्पीड अप. तुमको उससे कोई मतलब नहीं होता कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. क्यों? पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, डायरेक्शन पे. तो एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है स्पीड अप. फिर ऐसे हमारे पास में एक और वर्ड आता है रिटार्डिंग. रिटार्डिंग और रिटार्डेशन. ठीक है, इसका मतलब होता है स्लोइंग डाउन. इनको एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं होता है. तो अब मुझे बताओ ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखे हुए ना दो, इन दोनों को देख के मुझे बताओ कि इन दोनों को देख के क्या अपने वो कर सकते हो, अपने कंक्लूजन कर सकते हो कि पार्टिकल स्पीड अप कब होता है और स्लो डाउन कब होता है?
कर सकते हो कंक्लूड कुछ? हाँ भाई, जो हमारे एग्जांपल है ना, ये दो, ये वाले दोनों, इन दोनों को देख के क्या आपने कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पार्टिकल कब स्पीड अप होता है और कब स्लो डाउन होता है? बताओ. जब फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं. देखो, एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेटिंग. पार्टिकल स्पीड अप कब होगा? व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन. देखो, ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव. और तुम्हारा एक्सेलरेशन भी कैसा है? पॉजिटिव. तो तुम क्या कर रहे हो? स्पीड अप कर रहे हो ना. ठीक है, रिटार्डेशन कब होता है? व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव ऑपोजिट साइन. देखो यहाँ पे, ये कैसा है? नेगेटिव. ये कैसा है? नेगेटिव. लेकिन तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव. तो स्लो डाउन हो गया ना. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो तुमको अभी आ जाएगा समझ में. सपोज एक मैन है, वो यहाँ की तरफ भाग रहा है, इसका वेलोसिटी वी है, तो इसका वेलोसिटी का वेक्टर कहाँ की तरफ बन गया? राइट साइड में है ना. ठीक है. यस. अब मुझे बताओ, एक ना इक्वेशन होती है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जो मास है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ की तरफ आता है? जहां की तरफ तुम्हारे पास में फोर्स लगता है. ये होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और देखा हुआ है ना इक्वेशन? यस सर. मास तो स्केलर क्वांटिटी है, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है. तो जहां फोर्स लगेगा तुम्हारा एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? उधर ही होगा. हाँ भाई. यस सर. ठीक है. तो देखो, अब अगर इस मैन को तुमने पीछे से आके यहां की तरफ ही क्या कर दिया, पुश कर दिया, तो बताओ क्या होगा? इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी भाई. तो कोई तो कहीं जा ही रहा है, तो तुमने पीछे से आके और धक्का मार दिया उसको, तो स्पीड तो इंक्रीज होगी ना. तो देखो, तुमने फोर्स लगाया, मतलब कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्पीड अप होएगा. अब उसको इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये मतलब कि माइनस आई कैप है के प्लस आई कैप है? अब वैसे ही अगर एक मैन है, वो यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी भी है, ठीक है, तुमने उसको यहाँ की तरफ कर दिया पुश, तो बताओ अब क्या होगा? स्लो डाउन होगा कि वो स्लो डाउन? स्लो डाउन. स्पीड अप होगा. 445. तो ये क्या बन जाएगा? स्लो डाउन. हाँ बताओ, स्लो डाउन क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी इधर थी और जो तुम्हारा मतलब एक्सेलरेशन है वो कहाँ की तरफ हो गया? ऑपोजिट हो गया ना. यस सर. तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन. इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों कैसे हैं? ऑपोजिट. और ये जो चीज है इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग, नॉट एक्सेलरेशन. तो हम जब इक्वेशन के अंदर जब पुट करते हैं ना, तो हम वेक्टर के साइन के साथ में पुट करते हैं, तो वो जो होता है प्लस माइनस वो अपने आप आ जाता है. तो ऊपर का दिखाओगे सर? हाँ. ये और ये जो अपना रिटार्डेशन है, इसी का इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? डिसेलरेशन. डिसेलरेशन, ठीक है ना, वो भी इसी को बोलते हैं डिसेलरेशन भी.
अभी हो गया? यस सर। तो देखो तुमको ये दो चीजें है ना, ये है ना रिटार्डेशन और ये, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो स्टेटमेंट में आता है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत काम में आते हैं, क्योंकि तुमको अपने आप सोचना पड़ेगा कि पार्टिकल का जो एक्सेशन है मैं उसके अंदर प्लस साइन लू या माइनस साइन लू, वो स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली फिर उसको अपने देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, सपोज तुमको दिया हुआ है एक पार्टिकल का, ये तुमको दिया हुआ है पोजीशन, क्यूब एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर, अरे एक्स नहीं टी, टी क्यू। ठीक फाइन, इंटरवल इन विच इट इज एक्सलरेटिंग एंड रिटार्डिंग, बताओ कौन कौन से इंटरवल जो आएंगे, टाइम इंटरवल जो आएंगे उसके अंदर ये स्पीड अप कर रहा है और कौन कौन से इंटरवल के अंदर ये वो कर रहा है, अपने स्पीड अप कर रहा है और स्लो डाउन हो रहा है। सर मतलब जिस टाइम पर वो रिटार्ड हो रहा है उसका पूरा इंटरवल? हाँ हाँ, इंटरवल की भाई तुम ऐसे बता दोगे ना कि t equal to 4 to t equal to 5 में वो स्पीड अप हो रहा है, t equal to 6 to t equal to 7 में वो है ना रिटार्डिंग हो रहा है, ऐसा बताना है। t greater than 0 से में वो एक्सेलरेट हो रहा है। ओके कब तक? इनफिनिटी तक। अरे तो मतलब हमेशा वो शायद ऐसा नहीं है ना यार, चलो देखते हैं क्या आता है। तो हमको क्या देखना होता है, हमको देखना होता है वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन का जो साइन है क्या वो सेम है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है तो पार्टिकल क्या करता है, स्पीड अप करता है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का टाइम जो साइन है वो अगर मान लो अपोजिट है तो क्या करते हैं, स्लो डाउन। तो चलो तो पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी क्या बन जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 6। ठीक है ओके, और एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, t माइनस 1।
2t माइनस वन ठीक है। हाँ तो बताओ आप क्या करोगे? हाँ बताओ 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 तो देखते हैं अब इसको एनालाइज करते हैं, जिसको मैंने कहा था ना कि मतलब एनालाइज करना, तो ये तो वेलोसिटी है, इसको फैक्टराइज कर लेता हूं, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? टी माइनस थ्री टी प्लस टू है ना, और जो मेरे पास में एक्सेलरेशन है वो तो सिंपली बन रहा है मेरे पास में टू टी माइनस वन। तो देखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है वो कहां कहां पे पॉजिटिव है। तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितना है? t इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव माइनस सिक्स ना, तो यस सर, अगर वेलोसिटी है तो ये मैंने लिख दिया माइनस सिक्स, ये कहां पे है? t इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। और उसके बाद में जीरो कहां पे हो रहा है? थ्री और t इक्वल टू थ्री या फिर t इक्वल टू माइनस टू। तो भाई जो भी हमारे पास में t है वो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो वो कहां पे होगा? सपोज जीरो, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया t इक्वल टू थ्री, और t इक्वल टू थ्री के बाद में जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? हाँ उसकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है ना हमेशा t इक्वल टू थ्री के बाद, तो yes, t इक्वल टू थ्री के बाद में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो जो वेलोसिटी है वो ऐसी है, यहाँ पे माइनस सिक्स है और फिर ये। अब देखते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा कहाँ पे जीरो हो रहा है? एक्सेलरेशन का मैं वो बनाता हूँ लाइन, एक्सेलरेशन को मैंने ये बोला जीरो, ओके टी इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन कितना है? माइनस वन, माइनस वन। तो सपोज ये मैंने बोल दिया माइनस वन, तो ये मेरा हो गया टी इक्वल टू जीरो, और ये कितना हो गया टी इक्वल टू माइनस वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू ना हाफ। तो अब देखते हैं, अपने इंटरवल निकालते हैं, अब t इक्वल टू जीरो से लेकर t इक्वल टू थ्री तक जो वेलोसिटी है कैसी है? नेगेटिव है ना, देखो यस यस सर, ओके यस सर। और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कहां से कहां तक जीरो है? t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू हाफ तक, ठीक है। तो पार्टिकल स्पीड अप कब करता है? जब तुम्हारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा होता है? सेम डायरेक्शन में। सर एक्सेलरेशन का क्या किया हमने? एक्सेलरेशन तो जो मेरा है टी इक्वल टू जीरो से और टी इक्वल टू हाफ तक कैसा है एक्सेलरेशन? नेगेटिव है ना, नेगेटिव, और टी इक्वल टू हाफ के बाद में कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि कौन कौन से इंटरवेल के अंदर होगा। तो एक्सेलरेशन मेरा हाफ कब है? टी इक्वल टू हाफ तक है ना, ये हाफ तक, तो t इक्वल टू हाफ तक हमारा वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव है, क्योंकि t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू थ्री तक मेरा वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव। तो मैं बोलूंगा कि फोर स्पीड अप, हम बोलेंगे साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैज टू बी सेम। तो बोलूंगा कि t इक्वल टू जीरो टू t इक्वल टू हाफ सेकेंड, जो हमारा वेलोसिटी है वो भी कैसा है? नेगेटिव। जो मेरा एक्सेलरेशन है वो भी कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव। तो पार्टिकल क्या करेगा? स्पीड अप करेगा, मतलब कि इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्स स्लो डाउन, फोर स्लो डाउन, बताओ कि क्या करोगे? हम बोलेंगे कि t इक्वल टू हाफ टू t इक्वल टू थ्री सेकेंड, जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी मेरा t इक्वल टू अपने थ्री तक नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव हुआ है, और t इक्वल टू हाफ से लेकर t इक्वल टू थ्री तक मेरा एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि वो तो हाफ के बाद ही पॉजिटिव हो गया, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये स्लो डाउन, स्लो डाउन,
ठीक है, फिर आगे आते हैं. टी इक्वल टू थ्री ऑनवर्ड्स जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो भी कैसा है, पॉजिटिव, और जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा है, पॉजिटिव. तो पार्टिकल क्या करेगा, स्पीड अप. तो हमारे पास में तीन सेक्शन बन गए ना. पहले वो क्या हो रहा था, स्पीड अप हो रहा था, ठीक है, फिर वो स्लो डाउन हुआ, और उसके बाद में फिर से स्पीड अप हो गया. तो ऐसे हमको क्या करना है कि सारे जो ये होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमको एनालाइज करना पड़ता है. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कोई तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड मिनिमम जो वेलोसिटी है वो कब आएगी बताओ, कौन से इंटरवल में. देखो मिनिमम स्पीड, तो देखो मिनिमम जो स्पीड है वो तो कितना बन गया, जीरो बन गया ना. यस, तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम उसके क्या बोलते हैं वेलोसिटी की. मिनिमम वेलोसिटी कौन से इंटरवल में आएगा, तो हाफ में आएगा ना, t इक्वल टू हाफ. मिनिमम जो वेलोसिटी है वो कब आएगा, जो है ये यहाँ पे जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो कैसा है, नेगेटिव है. एक्सेलरेशन भी कैसा है, नेगेटिव. तो वेलोसिटी तुम्हारे और क्या हो रही है, कम हो रही है ना. हाँ, तो इस वाले इंटरवल में आएगा तुम्हारा, और इसके अंदर क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा. क्योंकि अगर जब तुम देखोगे ना टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे तुम्हारा स्पीड भी कितना आएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा. से मुझे नहीं समझे सर. नेगेटिव होता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखाया था ना, व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो क्या होता है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो अगर मुझे मिनिमा निकालना है तो मुझे सबसे कम वाली चीज चाहिए ना. तो देखो कहाँ पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे आ रहे ना, यहाँ पे है ना मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव. हाँ, तो है ना इसी भाई, इसके बाद तो अपना पॉजिटिव हो गया ना, तो जो अपना वेलोसिटी है वो इंक्रीज ही हो रहा है, तो इसी इंटरवल में आएगा ना मिनिमा अपने वेलोसिटी का. बस हमको इतना ही देखना था. तो हमको जो है वो साइन देखने हैं, बस ओनली साइन. साइन देखेंगे सर, एक बार वापस बताओ ना सर, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू हाफ तक एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आया. भाई हमारी इक्वेशन देखो ना एक्सेलरेशन की, ये है ना ये, तो बताओ t इक्वल टू जीरो पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव. और t इक्वल टू हाफ पे कितना आएगा, जीरो जीरो जीरो. तो मतलब कि t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू हाफ के बीच में इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी ना. Yes. तो इसलिए मैंने बोल दिया कि t इक्वल टू जीरो से और t इक्वल टू हाफ के बीच में इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, और नेगेटिव रहेगी. और t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू हाफ के बीच में मेरा वेलोसिटी भी कैसा है, नेगेटिव है. तो मेरा वेलोसिटी भी नेगेटिव है, मेरा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो क्या होना पड़ेगा पार्टिकल को, स्पीड अप होना पड़ेगा ना. हाँ, तो वो ना स्पीड अप हो रहा है ना. हाँ चलो और देखो, बताओ और. सर मैक्सिमम मिनिमम का क्या बोल रहे थे आप, एक सेकेंड. इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकाल के ला सकते हैं क्या आंसर. नहीं वो हम बाद में करेंगे. पर देखो ना, हमको देखना था कि वेलोसिटी का मिनिमा कब आएगा, तो मतलब कि मुझे वेलोसिटी को क्या करना है, कम करना है ना. तो हमारा वेलोसिटी कम कब होता है, जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा होता है, नेगेटिव. तो हमारा एक्सेलरेशन कहाँ पे नेगेटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है बताओ, फर्स्ट वाले इंटरवल में ना. यस सर. बस तो हम कह देंगे कि इस वाले इंटरवल के अंदर हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी का मिनिमा मिलेगा. बस वो जो मिनिमा है कितना होगा,
कहाँ आएगा, कौन सा इंस्टेंट पे आएगा, ये हम बाद में करेंगे जब हमारे 3-4 लेक्चर हो जाएंगे ना काइनेमेटिक्स के, उसके बाद हम बताएंगे वो वैल्यूज। अभी हमसे उसको हाँ पर मिनिमम वेलोसिटी तो -6 पहले से है ना t इक्वल टू 0 पे। नहीं ना उससे ओके चलो अब अगर तुमने स्टार्ट कर ही दिया है तो करते हैं उसको। तुमको अपने फंक्शन दिया हुआ है ना वेलोसिटी का, मैंने क्या फंक्शन है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स राइट, बताओ इस फंक्शन का मिनिमा क्या आएगा भाई। हमने कैलकुलस के अंदर अपने किया हुआ है ना किसी फंक्शन का मिनिमा कैसे निकालते हैं, yes. बताओ इस फंक्शन का मिनिमा कैसे निकालेंगे और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी बताओ। t is equal to half पे है वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू। तो देखो कोई भी फंक्शन का अगर हमको मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं पहले उस फंक्शन को अपने डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है। तो ये हमारे पास से बन गया फंक्शन ऑफ t, फंक्शन मेरे पास में है ये, इसका सबसे पहले क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा 2t माइनस t माइनस 1, इसको मैं क्या कर दूंगा 0, तो मेरे पास में क्या आ गया t इक्वल टू हाफ। फिर इस फंक्शन को क्या करता हूँ ना डबल डिफरेंशिएट तो क्या आएगा 2, ये कैसा बन गया पॉजिटिव, मतलब कि इस पॉइंट पे क्या आएगा मिनिमा मिनिमा, और वो जो है ना मिनिमा कितना होगा वो निकालते हैं f ऑफ t, तो हाफ को ना पुट कर देते हैं तो हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 6, तो क्या बन जाएगा 1/4 माइनस हाफ माइनस 6, तो ये आ जाएगा। तो आपने 2 क्या लिखा ऊपर मिनिमा 2 नहीं, अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो होता है पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है कौन सा आएगा मिनिमा या मैक्सिमा वाला, मिनिमा। हाँ तो हमने लिखा ना कि जैसे ये साइन पॉजिटिव आया तो हमने क्या बोल दिया कि मिनिमा पॉइंट है ये ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमा आएगा। तो फिर मैं अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ मिनिमम वैल्यू ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया जो मेरा टी का वैल्यू आया था ना हाफ, उस हाफ को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा -6.25। तो ये आ गया मेरा मिनिमम। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी तो क्या बोलोगे -6.25 i कैप। वेक्टर लगाना पड़ेगा ना क्योंकि ये माइनस में आया, ओके व्हाट इज द मिनिमम स्पीड सर उसका मैग्नीट्यूड 6.25। अरे मिनिमम स्पीड तो जीरो है, पार्टिकल कभी ना कभी तो रुक ही रहा है, तो यार मिनिमम वेलोसिटी आई जो है वो जरूरी नहीं है कि वही तुम्हारा मिनिमम स्पीड हो ठीक है सर, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी तो अलग अलग चीजें होती है ना। तो देखो ना जैसे तुमने बोला था कि t इक्वल टू 3 पे उसका जो वेलोसिटी है वो कितना बन गया 0 बन गया ना, तो मतलब कि स्पीड कितना बन गया 0 0 तो स्पीड की वैल्यू 0 से कम थोड़ी ना हो सकती है कभी, स्पीड तो मैग्नीट्यूड है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इस फंक्शन के अंदर जो मिनिमम वैल्यू आई है वो तो हमारे पास में जो मिनिमम जो है वेलोसिटी आई है वो तो -6.25 है, लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड तो अपना मिनिमम अपना वही फाइन ठीक है। Yes, sir. हाँ अब तुमको एक दो चीजें मुझे बतानी है। देखो तुम्हारा जो जो सैटरडे संडे को जो सीए होने वाला है, अरे कौन बात कर रहा है ठीक है, तो जो तुम्हारा सैटरडे को सीए होने वाला है उसमें यहाँ तक आएगा जो मैंने आज करवाया ना, ये सीए क्या है सर, सीए क्या है, क्लास असेसमेंट। ओ संडे को तुम्हारा टेस्ट है ना, तुमको पता है ना बेटा। नहीं सर अभी पता नहीं सर, क्यों
क्यों एक अपने वो जो तुम्हारा एक एक बार वो हुआ था ना ग्रुप के ऊपर वो डाला था टाइम टेबल हाँ तो है ना सीए क्यूमुलेटिव असेसमेंट कैलकुलस वेक्टर तीनों आएंगे हाँ क्यूमुलेटिव असेसमेंट में सब अब तो ये करो ना लेक्चर टू जो मैंने आज तुमको करवाया है फ्रॉम द डे वन ऑफ योर कोचिंग से और जो मैंने आज करवाया है यहाँ तक का सिलेबस है तुम्हारा कितने घंटे का टेस्ट होगा देखो इसके अंदर पेपर होते हैं तीन रुको एक बार चलो पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ